नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर दिवाकर वर्मा, पशुपालन वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर, जिला नर्मदापुरम से। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगुनी हो। किसानों की आय दुगुनी करने में खेती के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और बकरी पालन पर भी काम करना होगा। आज हम बनखेड़ी तहसील के ढाना गांव में उपस्थित हैं। यहाँ पे हम आपको एक ऐसे युवा किसान हेमंत पटेल जी से मिलाना चाहते हैं, जो कि उन्होंने मछली पालन पे काम शुरू किया है। हेमंत पटेल जी के पास में पर्याप्त मात्रा में ज़मीन ना होने की वजह से इन्होंने लीज पे ज़मीन लेकर के मछली पालन का काम शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने एक तालाब बना करके मछली पालन शुरू किया। आज उनके पास चार चार तालाब हैं। हम हेमंत पटेल जी से ही जानना चाहते हैं कि उन्होंने इसका काम कैसे शुरू किया तथा उनको आइडिया इस कहाँ से प्राप्त हुआ और क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं, और हमारे आगे जो भी किसान भाई मछली पालन का काम करना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, इन सब की जानकारी हम हेमंत पटेल जी से लें। यहाँ पे अपना ये सब रेंटेड है, रेंटेड पे चार तालाब बनाए, पहले दो तीन बनाए थे, फिर उसके बाद एक बनाया। तो इसमें है ग्रास कार्प है जो घास खाती है, और कामन कार्प है, इसमें भी वही है सेम। उसमें तिलापिया है, ग्रास है, कामन है, और आखिरी वाले में भी ग्रास, कामन और तिलापिया, मोनोसेक्स तिलापिया। जैसे ग्रास कार्प है तो समझ लो आप अगर फिंगरलिंग डालोगे तो 9 महीने, और छोटा डालोगे तो साल के आसपास। और अमूर के ग्रास कार्प, कामन कार्प लिए वही है 1 साल मान के ले लो। तिलापिया 3-4 महीने में बढ़ती बढ़िया, अच्छा हाँ, और जल्दी बिक जाती है। मछली कोई भी बेचोगे तो सब ठीक है, अगर लाइव है तो बढ़िया है। लोकल मार्केट 200 रुपये किलो मिल जाता है फुटकर में, अगर होलसेल में बेचेंगे तो कम मिलेगा थोड़ा। होलसेल में बेचेंगे तो मान लो आप 120-130 रुपये के आसपास। इसकी शुरुआत हुई कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर, उनके मार्गदर्शन में ये शुरुआत हुई। और पहले एक तालाब था, एक के बाद दूसरा बनाया, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद अब चौथा बनाया। और बाकी ये हमारे वर्मा जी हैं, बाकी का जो भी अगर कोई समस्या रहती है तो ये सर आके कॉल कर दो, तो बाकी ये सब देख लेते हैं, जो भी मार्गदर्शन है, जानकारी है, या ऐसी कोई बीमारी है या जो भी चीज़ समस्या है, वर्मा जी हैं, साथ खड़े रहते हैं हमेशा। ये लोकल मार्केट के हिसाब से जो मछलियाँ लोकल मार्केट में बिक जाती हैं उसी के हिसाब से मछली पालन चल रहा है। अब इस मछली पालन के बाद आगे यहाँ पे सामने जो जगह देख रहे हैं इसमें बायोफ्लॉक करने का है, प्रोजेक्ट है, और उसके बाद फिर बायोफ्लॉक के बाद आर एस के लिए वहाँ बनाएंगे उस वाले इस खेत के आगे। और इनके सबके साथ साथ देसी मुर्गी पालन चल रहा है, इसमें 40-50 नक्के आसपास हैं। और वर्मा जी ने जैसे सुझाव दिया है कि आप कड़कनाथ पालो, ये बढ़िया चीज़ है, तो आगे भी उनके सहयोग से कड़कनाथ का पालन किया जाएगा।